बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं एमआर इनसाइट्स। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं, ये आप देख सकते हैं, डोनस का वर्टिकल डी फ्रीज़र है। ये आप देख सकते हैं, ग्लास डोर में ये डी फ्रीज़र आता है ये। और ये जो आम डी फ्रीज़र के मुकाबले में 33% लेस जगह घेरता है। तो चलें आपको दिखाते हैं इसकी जो अंदर से जो इसकी लुक है, इसकी कैसी है। इसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हैं जिसमें आप मुख्तलिफ आइटम्स फ्रोज कर सकते हैं, जिसमें गोश्त हो गया, पोल्ट्री, चिकन वगैरह, कबाब वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसके 7 कंपार्टमेंट्स हैं इसके, जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें, प्रोडक्ट, आइस वगैरह जमा सकते हैं। उसके अलावा आप वेजिटेबल, मीट वगैरह, मुख्तलिफ आइसक्रीम वगैरह रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली जो है इसकी जो बॉक्स है, इसका फ्रोजन फूड में आप इसमें स्पेस है। ये ज़रा थोड़ा स्मॉल खाना दिया हुआ है, बाकी इसके जो जितने भी हैं कंपार्टमेंट्स वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, आपको चेक करवाते हैं। इसमें आप आइस बॉक्स है, इसमें आइसक्रीम की जगह ये देख सकते हैं अंदर से काफ़ी बड़ी स्पेस है इसकी। और ये इजीली आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं, इसका यूज़ बहुत ईजी है। इस तरह आइस क्यूब के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है, इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है। और इसके अलावा आप मीट वगैरह रख सकते हैं, ये देखें मीट के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है। और काफ़ी इसकी बड़ी स्पेस है इसकी, ठीक है, 11 क्यूबिक फिट में ही आता है। इसी तरह यह पोल्ट्री, आप चिकन वगैरह आप इस पर स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरा डीप फ्रीज़र है, आप कोई भी आइटम कहीं भी रख सकते हैं। इसी तरह ये सी फूड के लिए अलग उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन, ताकि आपको इजीली आप रख के आप इजीली उसको चीज़ को फाइंड कर सकें कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। वेजिटेबल बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका बॉक्स है। ये आप देख सकते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी क्वालिटी, इसकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में आता है। और इसकी रिमूवेबल गैसकेट में ये अवेलेबल है, आप इसको ईजिली वॉश कर सकते हैं। और ये यूज़र इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप किसने किस तरह इस्तेमाल करना है इसको। पहले इसको खाली चलाना है 2 घंटे बाहर रख के, तो फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो कर लें आप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसकी खूबसूरत, ये बहुत कम जगह की आता है तो सिंगल डोर में ही आता है। ये इसकी फिनिशिंग चेक करें आप, बहुत ही आउट क्लास फिनिशिंग है, थिकनेस इसकी काफ़ी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं 11 क्यूबिक फिट इसका साइज़ है डीप फ्रीज़र का। और ये एलवीएस मॉडल है, आपको स्टेपलाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।